भारतीय महिला टीम के विश्व कप जीतने के लिए दुआओं का दौर जारी है। हरमनप्रीत कौर के माता पिता के साथ दूसरे गांव के लोगों ने जद्दी गुरुद्वारा में मत्था टेक कर जीत की कामना की। नागपुर में भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी मोना मेश्राम के माता पिता ने टीम के विश्व कप जीतने की उम्मीद जाहिर की है। परिवार का मानना है कि जो काम पुरुष टीम नहीं कर पाई उसे महिला टीम करके दिखाएगी। बिहार में तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर गठबंधन में खींचतान के बीच नीतीश कुमार दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी को इस्तीफे के लिए मना पाएंगे राहुल? दिल्ली में जेडीयू सांसद शरद यादव और सीएम नीतीश कुमार की करीब 1 घंटे 10 मिनट तक मुलाकात चली। शरद यादव महागठबंधन तोड़ने के पक्ष में नहीं है। पटना में नीतीश की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ताओं के खिलाफ लगे पोस्टर। बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले, ये काम सिर्फ लालू के ही आदमी कर सकते हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी को सुरक्षा जांच से मिली छूट खत्म हो गई है। पटना एयरपोर्ट पर दोनों को सुरक्षा जांच से अब गुजरना होगा। 2009 से लालू राबड़ी को सुविधा मिली थी। राज्यसभा से इस्तीफे के बाद नए सिरे से रणनीति बनाने की कवायद में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती, आज दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगी मुलाकात। संसद के सेंट्रल हॉल में आज शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति को दोनों सदनों के सांसद विदाई देंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन देंगी विदाई भाषण। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में शनिवार शाम विदाई दी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शिरकत की। पीएम ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट किया तो राष्ट्रपति ने विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए। अमित शाह के जयपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। कल शाह की बैठक में अजमेर से सांसद सांवरलाल जाट हुए बेहोश। सांवरलाल जाट की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आतंकियों का दोस्त बताया। बोले, कश्मीर में मारे गए आतंकियों की वजह से राहुल को हो रहा है दर्द। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद जवान जयद्रथ का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार ने पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की। सहारनपुर के रहने वाले जयद्रथ राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में शहीद हुए थे। पाकिस्तान की फायरिंग में 12 जुलाई को केरन सेक्टर में शहीद जम्मू के शामाचक के रहने वाले राइफलमैन सतीश भगत के परिवार ने सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कश्मीर पर फारूक अब्दुल्ला के दिए गए बयान पर सीएम महबूबा मुफ्ती का पलटवार। बोले, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत से ही हल होगा कश्मीर का मसला। कल फारूक ने कश्मीर के हल के लिए किसी तीसरे देश को मध्यस्थता करने की कही थी बात। यूपी के अलीगढ़ से नौकरी का सपना लेकर सऊदी अरब गए युवक दुर्गेश उर्फ मोनू मुश्किल में सऊदी के शेख पर धर्मांतरण का दबाव बढ़ाने का आरोप। परिवार ने लगाई मदद की गुहार। विदेश मंत्रालय के संपर्क में महापौर। रेलवे में खाने की खराब क्वालिटी की रिपोर्ट के बाद आईआरसीटीसी ने नई कैटरिंग पॉलिसी बनाई, जिसके तहत कई स्टेशन पर नए किचन बनाए जाएंगे। साथ ही पुराने किचन को अपग्रेड कर यहीं से ट्रेनों में खाने की सप्लाई की जाएगी। 24 घंटे बिजली देने के यूपी सरकार के दावों की फिर खुली है पोल। वृंदावन में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के भाषण के दौरान बत्ती हुई गुल। 3 मिनट तक अंधेरे में भाषण देते रहे मंत्री जी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अस्पताल परिसर में डीजे के तेज आवाज में म्यूजिक बजाने का मामला सामने आया है। तेज आवाज में म्यूजिक बजने से मरीजों को परेशानी हो रही है। लापरवाही के आरोप में गाजियाबाद पुलिस पर बड़ी कार्रवाई। एसएसपी ने 8 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। गुमशुदगी की रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस ने एक परिवार के बेटे का लावारिस की तरह अंतिम संस्कार किया था। प्लास्टिक के चावल और अंडे के बाद अब प्लास्टिक के पत्ता गोभी का वीडियो वायरल होने से मचा है हड़कंप। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक दंपत्ति ने बाजार में प्लास्टिक के पत्ता गोभी की बिक्री की शिकायत की। मुंबई में आरजे मलिष्का के समर्थन में उतरा वॉचडॉग नाम का संगठन। आरजे के मास्क पहनकर प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते सड़कों पर गड्ढे को लेकर गीत बनाने के बाद बीएमसी ने जानबूझकर डेंगू का लार्वा पालने का नोटिस थमा दिया था। मुंबई के चेंबूर में सुबह सैर पर जा रही पूर्व टीवी न्यूज एंकर कंचन नाथ पर अचानक नारियल का पेड़ गिरा। सिर पर चोट लगने से कंचन की अस्पताल में मौत। परिवार ने मौत के लिए बीएमसी को जिम्मेदार बताया। गुवाहाटी में विश्व हिंदू परिषद ने दुर्गा वाहिनी टीम के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जेएनयू की पीएचडी की छात्रा के सामने पब्लिक प्लेस में युवक ने की अश्लील हरकत। पुलिस ने 32 साल के आरोपी तरुण कुमार को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया। वडोदरा में बिजली के खंभे के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना। अमर सिंह अपनी पत्नी के साथ पार्क में वॉक के लिए निकले थे, लेकिन पार्क में लगे बिजली के खंभे ने जान ले ली।
गुजरात के जामनगर में बारिश के दौरान आकाश से बिजली गिरने का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद, हुआ जोरदार धमाका, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर, मोरबी से कच्छ जाने वाले हाईवे पर सैलाब, बड़े से बड़ा ट्रक भी हाईवे पार नहीं कर पा रहा, सभी किनारे पर खड़े हैं, 2000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों को पानी कम होने का इंतजार। गुजरात के मोरबी में मूसलाधार बारिश से हर तरफ लबालब पानी भरा है, लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की बोट गश्त कर रही है तो आसमान में हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं, सौराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत, अगले 48 घंटे तक और बारिश का अलर्ट। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के भीतर की तस्वीर देखिए, ज्यादातर सड़कों पर लबालब पानी भरा है तो कई जगह पानी तेज धार के साथ बह रहा है, सड़क पर खड़ी गाड़ियां आधी डूब चुकी हैं। गुजरात के अमरेली में पानी को पार करने के चक्कर में झाड़ी में फंस गया तेंदुआ, रात भर फंसा रहा तेंदुआ, वन विभाग ने तेंदुए को बचाया। नासिक के रामकुंड में भारी बारिश के बाद की डराने वाली तस्वीर, चारों ओर पानी दिख रहा है, पानी ही पानी है, पानी के बीच भगवान का मंदिर भी सुरक्षित नहीं। नासिक में बांध का पानी छोड़े जाने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर ले रहे हैं सेल्फी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बड़ी मुसीबत, नेशनल हाईवे 21 पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया जिसके बाद हाईवे पूरी तरह से बंद है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक बदमाश को लगी गोली जिसका जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में दिन दहाड़े शराब व्यापारी की बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, व्यापारी के दोस्त पर हत्या का शक, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फिर सवालों में यूपी पुलिस, आगरा में दरोगा का वीडियो वायरल, शराब पीने के आरोप में बंद एक आरोपी से थाना न्यू आगरा में तैनात दरोगा सत्यवीर अपने पैर दबवा रहे हैं। यूपी के जालौर में शुक्रवार को सेंट्रल बैंक में हुई डकैती की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, महज 57 सेकंड में नकाबपोश लुटेरों ने एक के बाद एक 3 देसी बम दागकर वारदात को अंजाम दिया, आरोपियों की तलाश जारी। इलाहाबाद में महिला डॉक्टर के घर में नौकरानी का चाकू से गला रेतने और लूटपाट के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला डॉक्टर के अस्पताल में काम करने वाले स्वीपर ने वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के फिरोजाबाद में सागर रत्ना और इंटरनेशनल स्कूल के मालिक का देर शाम बदमाशों ने घर जाते वक्त अपहरण कर लिया, अभी तक उद्योगपति का सुराग नहीं मिला, जांच में जुटी है पुलिस। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।